दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा दर्शन साहेबा तेरा मैं देख देख जीवा। अब आप जानते हैं हमारे मित्र अगर बीए में पास हो जाए कितनी खुशी होगी। पास हुआ वो खुशी हुई, हमारे मित्र को अगर 10-20 लाख रुपया मिल जाए, हमें चाहे कुछ भी नहीं मिला पर हम मुफ्त में प्रसन्न हो जाते। अरे भाई, जब दोस्त के पास थोड़ी सी संपत्ति आई, उसका मकान बना, उसको 10-20 मोटरें मिल गई या कुछ उपाधि मिल गई, भारत रत्न की या पद्म भूषण की या पद्मश्री की, आप भूले नहीं समाते कि मेरा मित्र इतना बड़ा विद्वान है, उसको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उपाधि। जब भगवान को आप दोस्त बनाओगे तो सारी दुनिया की विभूति तो आपकी बन गई, इससे ज्यादा खुशी क्या। इसीलिए सुदामा ने जब श्री कृष्ण को मित्र बना लिया तो मतलब त्रिलोकी की विभूति सहज में ही उसके चरणों में आकर झुक गई। भाई, जरूरत है भगवान को दोस्त बना। दोस्ती की निशानी क्या है कि सबसे अधिक उससे प्यार कर। मनुष्य अपने पिता से बात छपाता है, भाई के पास दिल नहीं खोलता, कई बातें औरत को भी नहीं बतलाता, अगर कहीं हृदय खुलता है तो कहां मित्र के। भाई क्यों कि मित्र के साथ हमारा सबसे अधिक स्नेह। इसीलिए भगवान को जब अपना मित्र बना लोगे फिर खुले दिल बातें कर सकोगे। और एक तो वो सर्वज्ञ है, बिना कहे आपकी बातें समझ लेगा, जब बिना कहे समझेगा तो वो कोई आदमी अपने मित्र को दुख में देख सकता है, वो हमें दुख में कभी पड़ने ही न देगा। दूसरी बात, अगर वो कहीं परीक्षा के लिए थोड़ी उपेक्षा भी कर रहे, हम खुले दिल कह भी सकते हैं, अरे भाई फिर तू दोस्त ही काहे का, अगर इस समय भी तू हमारी सहायता में नहीं आता। जब पांडव द्यूत में पराजित होकर के वनवास के लिए चल दिए, वहां श्री कृष्ण सब लोग पांडवों को मिलने, द्रौपदी रूठ गई, भगवान से बोलती, कहते प्रभु मेरे भाई कहलाते हो क्या, भाई का यही लक्षण है, बहन की बेइज्जती हो रही हो और बहन कहते भाई कहीं दूसरी जगह ही घूमता रहे। भगवान कहते बहन क्या करूं, मनुष्य का चोला लिया है, इस नाटक को इस अभिनय को पूरा उतारना, इसलिए जिस समय युधिष्ठिर जुआ खेलने की तैयारी कर रहा था, मैं तो उसी समय आकर उसके हाथ के वो डालने छीन कर तोड़ डालता और दुर्योधन आदियों को भी धमका कर इस नीच को कर्म से रोक देता। पर किया क्या जाए, जब मैं राजसूय यज्ञ से वापस गया द्वारिका, द्वारका की सारी प्रजा रो रही थी, प्रभु आपकी अनुपस्थिति में शाल ने हमारे पर आक्रमण किया और उसने हमारी बहु बेटियों की बेइज्जती की, उसने हमारा धनवान सब लूट लिया, जब तक आप उससे बदला न लेकर देंगे हम आपको अपना राजा ही नहीं मानेंगे, हम आपको द्वारकाधीश ही नहीं कहेंगे। कहते मैं उस समय शालु के साथ लड़ने के लिए चला, युद्ध में लगा हुआ था। अब देखिए भगवान कृष्ण अपनी सफाई दे रहे हैं, जो त्रिलोकी का नियंता है वो द्रौपदी को प्रसन्न रखने के लिए ये बतला रहा है कि मैं बहन अवश्य आता,
पर क्या करूं, विवश था, मजबूर था मैं, एक दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ रहा था, वहां से आना मेरे लिए शक नहीं था। तो यद्यपि भगवान नहीं आ सके, ये तो कारण कुछ और ही थे, द्रौपदी के चीरण हरण को ब्याज बनाकर कौरवों का संहार करना, परंतु ये प्रेमी को ही अधिकार है कि भगवान को भी डांट डपट बतलाए और रूठ जाए कि तू समय पर मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आया।